तो अभी हम जीवन माता के मंदिर आ चुके हैं, कम से कम 2-3 घंटे हो गए वहाँ से चले हुए। और अब यहाँ से धोख मारेंगे, फिर वापस जाएंगे पहाड़ के ऊपर। मतलब पहाड़ों पे भी धोख मारी जाती है। ये देखो गाइस, एक चीज दिखाता हूँ आपको। भाई खा जाएगी। अगर सुबह आते ना तो यहाँ पे भीड़ कम भी होती है, और अब इतनी ज्यादा भीड़ है, काफी टाइम हो गया हमें। 10:30 हो चुके हैं और 10:30 बजे तो बहुत ज्यादा हो जाती है भीड़ यहाँ पे। तो अब अंदर जाएंगे मंदिर, मतलब मंदिर के पास जाएंगे, फिर जाके पता चलेगा कि कितनी भीड़ है। मेन दरबार, मतलब मेन गेट है मंदिर का। अब देखो भीड़ देखो कितनी है। यहाँ से अंदर जाएंगे हम, तो चलिए फिर देखते हैं। पुलिस खड़ी है, क्या पता फोन बंद करवा दे, तो मैं साइड कैमरा बंद कर दूँगा। शॉर्टकट अपनाने का सही तरीका है गाइस ये। माता जी दर्शन दो। गोपी के दर्शन दो। कौन फिरकी ले रहा है? फिरकी ले रहा है कौन? फिरकी ले रहा है अंदर से है ना, तो उन्होंने माला गा दी और टीका लगा दिया, प्रसाद में प्रसाद भी दे दिया। तो अभी हम बाहर की साइड जा रहे हैं, फिर ऊपर जाएंगे। अब यहाँ से शॉर्टकट है। और पहाड़ के ऊपर मंदिर, वहाँ पे पैदल जाना पड़ता है, और मैंने बिल्कुल चप्पल नहीं पहन रखी है, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है यहाँ पे, पैर दर्द नहीं लगे। तो थोड़ा सा बीच में रेस्ट कर रहा हूँ, फिर ऊपर जाएंगे दोबारा। अब ये देखो कितने नीचे से हैं, जो मेरे साथ मेरे भाई थे वो तो नीचे है। तो यहाँ पे हमने मंदिर में मत्था टेक लिया है, अब चले गए हम पहाड़ों पर। अब पहाड़ों पर जाएंगे, वहाँ पर जाएगी गाड़ी, कम से कम 7 किलोमीटर ऊपर है वो पहाड़, तो वहाँ पर जाएंगे। अब चलते हैं बाहर मंदिर से। मंदिर में धोक मार के अब हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब हम जाएंगे सीधा ऊपर, मतलब पहाड़ पे। ज़्यादा सीरियस मत लेना, कमा हुआ। अब रास्ता स्टार्ट हुआ है पहाड़ पे जाने का, पहले तो ऐसे नॉर्मल एरिया था, अब जाएंगे पहाड़ के ऊपर। ऊपर जाने का रास्ता स्टार्ट हो चुका है, अब मिलते हैं आधे घंटा बाद ऊपर जाने के बाद। ठेले हो गए, स्वाद आएंगे ये फुल। लहरों वाले अंकल साइड में होना, यहाँ पे पंखे लगे। यहाँ पे बहुत सारे हैं। चल जा, पहुँच गया। वहाँ भीड़ कितनी ज़्यादा होती है, भीड़ बहुत ज्यादा है। पहुंच गया आपा? हां इधर बस दबा दो। तो मेन मंदिर में पहुंच गया आपा? चलो चलो, बोले बीच में नहीं दूर है आगे। वो हम हर्ष पर पहुंच चुके हैं अभी, यहां पे हर्ष पर्वत पे, हर्ष पर्वत पे आ चुके हैं। यहां का एरिया मतलब कम से कम यहां हम नीचे से 5 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं, और यहां का मंदिर दिखाता हूं आपको। इतनी दूर मंदिर अभी बचा हुआ है, और ये विंग्स, दूर दूर से लोग यहां पे धोख मारने के लिए आते हैं, इतनी ज्यादा भीड़ लगती है यहां पे। और अब वहाँ पे बाइक है, पता नहीं क्या करने, फिर हम जाएंगे सीधा धोख मारने के लिए, वहाँ से जाना पड़ेगा। गाइस इस मंदिर की ये खासियत ये है कि यहाँ पे दारू चढ़ती है। हाँ सच में दारू चढ़ती है यहाँ पे, और अब तो पुलिस वालों ने बंद करवा दिया, बाकी पहले तो बहुत ज़्यादा चढ़ती थी यहाँ पे, सारे भैरव बाबा बन जाते थे, भैरव बाबा है ना। ये देखो मंदिर बहुत पुराना मंदिर लग रहा है, बहुत पुराना मंदिर है ना।
काफी ज्यादा साल पुराना मंदिर है। तो फाइनली अब हम ऊपर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे मारेंगे दो चप्पल निकाल के और वैसे चार्जिंग, फोन की चार्जिंग बिल्कुल खत्म हो गई गाइस। 5% बड़े पूरी 5% बची हुई चार्जिंग, तो जैसे तैसे करके निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी एक जगह और जाना है, फिर वहाँ की थोड़ी बहुत और ब्लॉगिंग बनाऊँगा, फिर वीडियो को एंड करूँगा। अभी तो मतलब 5% में मुझे एक जगह और निकालनी है। अब यहाँ पे धोख मारेंगे, फिर धोख मार के चलेंगे। अब कहाँ पहचान लग रहा है, तेरी लाइन लग रही है अभी तो। दोबारा लाइन में लग चुके हैं, यहाँ पे भी लाइन है, यहाँ पे भी लगेगी आधी एक घंटा लाइन में लगे। अब कम से कम आधी घंटा होगी यहाँ पे लाइन में लगे हुए, पर अब तक बारी नहीं आई। ऐसे लग रहा है कि रुकी हुई है, मतलब बंद कर रखा अंदर से, इसलिए आगे कोई बढ़ ही नहीं रहा, वहीं खड़े एक जगह पे, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे धीरे धीरे करके। दूसरा मंदिर है उसी जगह पे, वो मंदिर उस साइड था और ये मंदिर एक और है। ये काफी ज्यादा पुराने मंदिर है, ये देखो। यहाँ पे धूप मारेंगे फिर जाएंगे। ये आगे सबसे ऊपर, ये मंदिर सबसे ऊपर मंदिर है। अब यहाँ से धूप मारने के बाद फिर नीचे जाएंगे। ये देख लो कितने अच्छे लड़के आ रखे हैं। ऊपर दादा मत्था टेकना था, हमने टेक लिया है। अब हम जाएंगे नीचे, फिर उसके बाद जाएंगे सीधा सालासर, फिर सालासर के बाद घर। और 1% बचा हुआ है शायद, आगे जाके स्विच ऑफ हो जाएगा फोन, देखते कहाँ तक चलेगा फोन। और यहाँ का एरिया चलते हैं गाइस। बैटरी के चक्कर में फोन स्विच ऑफ हो गया था, तो उस चक्कर में ब्लॉग पूरा नहीं बना पाया, तो मतलब सालासर वाला ब्लॉग बिल्कुल ही रह गया था, क्योंकि सालासर जाने से पहले 1% चार्जिंग थी, मतलब 1% कुछ थी, और उसी टाइम फोन स्विच ऑफ हो गया था। इस बात के लिए दिल से सॉरी, क्योंकि मैं सालासर वाला ब्लॉग नहीं बना पाया, पर मेरा बनाने का बहुत ज्यादा मन था यार, पर बैटरी के चक्कर में नहीं बना पाया। तो चलिए यार आज का ब्लॉग खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में एक बात ये बताना है कि आप ये तीनों स्थानों पर गए हुए हो, और प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करना।